बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, इस दुनिया की मिसाल एक पहाड़ की सी है और हमारे अमाल की मिसाल उसमें गूंजने वाली आवाज़ सी है जो पलट कर हमारे पास आ जाती है। दिनाई का तल्लक बालों की सफ़ेदी से नहीं, अकल और तजर्बे से है। अगर दिल ही स्याह हो तो दाढ़ी के सफ़ेद बालों की क्या वक़्त। जिस शख्स के अपने इमाल हिवानों जैसे हों, वो शरीफुल नफ्स इंसान के बारे में बिपत गुमानी से काम लेता है। जहाँ भी पानी देखो वहाँ सब्जा होगा, इसी तरह जहाँ आंसू होते हैं वहीं रहमत होती है। अल्लाह वालों की बातें सुकून कलब अता करती हैं और अहले जाहिर की बातें दिल में इंतशार और बेइत्मीनानी पैदा करती हैं। जिसमें अदब नहीं उसमें सब बुराइयां ही बुराइयां हैं। रात को सो जाने के बाद कैदी अपनी कैद से और बादशाह अपनी सल्तनत और दौलत के एहसास से बेखबर हो जाता है। दोस्ती ही से मोहब्बत और अदावत पैदा होती है, जैसे गजा ही से सेहत व मर्ज लाहक होता है। जो इश्क सिर्फ रंगो रूप की खातर होता है वो इश्क नहीं फसक है, और इसका इंजाम रसवाई और शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं। जब तू मर्ज में मुब्तला होता है तो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, और ये इस बात का सबूत है कि तेरी बीमारी ने तुझे गफलत से जगाकर बाहोश कर दिया। अल्लाह ताला जाहर की बजाय बातिन को और कल की बजाय हाल को देखता है। टूटे हुए दिल से निकलने वाली फरियाद 100 साल आबादे से ज़्यादा असर रखती है।